हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपके को सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, नौकरी कब मिलेगा, व्यवसायिक स्थिति आपकी क्या रहेगी, घर में नए तरह के मेहमान आ रहे हैं या शुभ कार्य होने का योग है, या भूमि भवन खरीद सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, मीडिया और राजनीति के क्षेत्र में आपसे आज क्या होने वाला है, ये सब भी बताएंगे। और आज अपने तरह के व्यापार में किस व्यापार की शुरुआत करेंगे, ये भी आज हम आपको बताएंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, चतुर्थी किस क्षेत्र में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी, उस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष में अगर आपको कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अगर कोई भी ज्योतिष संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको काफी नेम फेम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और आज आपकी जो चिंता है समाप्त होगी। जो काम कल करना उसको अभी से तत्काल प्रभाव से शुरू करें, कोई चीज आप कल पर न टालें। आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आज आप विदेश यात्रा के लिए विदेश से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आयात निर्यात करने के अगर आपने प्लान कर रखा है, कोई नई चीज करना चाहते हैं, नए तरह का व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। उसमें करते हैं तो आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो प्लानिंग करके बेहतरीन तरीके से करें, चैनलाइज होकर करें, बीच में किसी कार्य को करने के लिए न छोड़ें। आपके मन में एकाग्रता नहीं रहती है, चंचलता ज्यादा रहती है, तो कोई भी चीज पर एकाग्र नहीं होते, लाइनअप नहीं होते। अगर लाइनअप होकर के पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें तो आज आपको महान सफलता मिल सकती है। माली हालत आपकी अच्छी होगी। घर में अगर कोई भी नया कार्य की प्लान कर रहे हैं, जैसे घर बनवाना हुआ, गाड़ी खरीदना हुआ, कृषि भूमि खरीदने की प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन आपका बेहतरीन है। यदि आप वाहन खरीदने की प्लान कर रहे हैं या किसी शेयर में ट्रेडिंग में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। थर्ड व्यक्ति पर भरोसा ना करें, स्ट्रेंजर से कोई नया कार्य ना करें तो उसमें आपको पैसे डूब सकते हैं। शेयर इत्यादि खरीदने से बचने की जरूरत है। और यदि भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी में कार्य करने के प्लान कर रखे हैं तो रुकिए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। रुके हुए पैसे मिलेंगे और पुराने मित्र मिलेंगे जिनके मिलने से आपका मन काफी आनंदित रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, आपके जो बचपन के दोस्त मिलेंगे उनसे मिलकर के आपको काफी मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। आज एक नई एनर्जी से नए तरीके से कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे तो उसके लिए भी आज आपका दिन बेहतरीन है। यदि आप जॉब में हैं तो आज आपका पदोन्नत हो सकता है, स्थानांतरण भी होने की संभावना बन रही है, आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है, जो भी करें सोच सके सूझबूझ से करें। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, या सफेद वस्तु का दान करें, दूध है, दही है, घी है, या सफेद कोई वस्त्र लेकर के दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए आज शुभ अंक जो है 4 है और शुभ रंग सफेद है। हरे कृष्ण।